विरोधी दल की ओर से सिंधुदुर्ग मामले को लेकर मुंबई में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। विरोधी दल के इस मोर्चा पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले ही मविया को लोगों ने गेट आउट कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बात करते हुए कहा कि 2 साल पहले महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें बाहर कर दिया है। उन्होंने अब तक केवल शिवाजी महाराज का नाम देना और काम अफजल खानी और औरंगजेब के रूप में किया है। वह शिवाजी महाराज के नाम पर चुनाव लड़ते थे और निर्वाचित होने के बाद औरंगी प्रशासन का संचालन करते थे। क्या महाविकास आघाड़ी में बच्चे सुरक्षित थे? कितने महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है? मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति न करें। माविया को शिवाजी महाराज का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। कि उनको गेट आउट तो 2 साल पहले जनता ने किया है, उनको सत्ता से गेट आउट कर घर में बिठा दिया है और शिवाजी महाराज का नाम लेकर राजनीति करके छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेना और काम औरंगजेब और अफजल खान की वृत्ति का करना, ये उनसे शुरू है। सरकार में सत्ता में आए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लेकर शिवसेना बीजेपी गठबंधन बनकर और सरकार बनाए दूसरे के साथ। ये कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में प्रेम है? हम शिवाजी महाराज जी के बारे में इतना ही कहते हैं, इसकी राजनीति ना करें। विरोधी दल के मोर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री और हम तीनों ने माफी मांगी है कि महाराज की मूर्ति गिरने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है। पिछले साल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए हादसे में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाने के लिए 2 JCP का इस्तेमाल किया गया था। आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता निश्चित तौर पर आंदोलनकारियों के साथ आएगी। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा पुतळा दुर्घटनाग्रस्त होणं हे तमाम महाराष्ट्रातल्या नाही देशवासियांच्या मध्ये आणि तमाम शिवभक्तांसाठी अतिशय दुर्दैवी घटना आहे, दुःखद आहे आणि वेदनादायी आहे। या बाबतीमध्ये मी स्वतः दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी देखील जाहीर छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी दिलगिरी व्यक्त केली आहे। खरं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज युगपुरुष आणि महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत म्हणून आपण त्यांना पूजतो, परंतु झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। परंतु त्याचं राजकारण करणं हे त्याहीपेक्षा दुर्दैवी आहे आणि म्हणून आज विरोधकांकडे कुठला मुद्दा नाही आहे। हा मुद्दा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मुद्दा घेऊन एक राजकीय या ठिकाणी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न ते करतात, पण या महाराष्ट्रातली जनता सुज्ञ आहे। महाराष्ट्रातली जनता ओळखून आहे की हे निव्वळ राजकारण आहे। आणि मी एवढंच सांगू इच्छितो की कर्नाटकमध्ये मागच्याच वर्षी जे एक दुर्घटना झाली काँग्रेस सरकारमध्ये, ही दुर्घटना देखील आपण त्यांनी काँग्रेस सरकारने खरं म्हणजे आज जोडे मारो आंदोलन या ठिकाणी करतात, हे आपल्याच बातमी आपल्याकडेच बातमी होती। अनधिकृत जागेवर पुतळा बसवल्याचं ही बातमी देखील तुमच्याच याची आहे। आणि म्हणून आज मी सांगतो, पुतळा काढताना 2 JCPचा वापर केलेला, 2 JCPचा वापर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा काढण्यासाठी या ठिकाणी कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने केलाय। हे किती दुर्दैवी आहे आणि हे किती दुःखद आहे। खरं म्हणजे यांना जोडे मारले पाहिजेत। आणि मी सांगू इच्छितो या अशा प्रकारचं कृत्य करणारे लोक यांना या महाराष्ट्रातली जनता सुज्ञ आहे आणि जे जोडे मारो आंदोलन करतायत त्यांना येणाऱ्या पुढच्या काळामध्ये निवडणुकीमध्ये या महाराष्ट्रातली जनता नक्की जोडे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।